मेरे प्यारे बच्चे बच्चे एवं बच्चियों, आपको लिब्रा का पार्ट 3 में स्वागत है। आज आप सीखेंगे सबसे पहले जो घातांक और कारणी के बारे में जान रहे हैं, घातांक एवं कारणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पावर एंड रूट। पावर के बारे में हम आपको घात के बारे में कुछ बताए थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमसे नहीं बता पाए थे, आज बता देंगे। और पिछले हम आपको क्लास में कुछ टास्क दिए थे, वो टास्क आप आराम से एक एक लाइन का था, सिर्फ खेल था, खेल ये था, जो हम पढ़ाए थे उसी पर आधारित था। ये था आपका उत्तर बन रहा था, आपको हम दिए थे ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन ए पर पावर एम प्लस एन। दूसरा हिसाब दिए थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा हिसाब दिए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका सूत्र होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा हम यहाँ नहीं बता पाए थे कि जोड़ है कि घटाओ, आप दोनों क्लियर कर सकते थे, एक बार इसको जोड़ भी सकते थे और एक बार इसको घटा भी सकते थे, क्योंकि आप सीखने के जोड़ और घटाओ दोनों का क्रिया कर सकते थे। यहाँ भी पाँच में भी आप जोड़ घटाओ कर सकते थे, देख सकते थे कि क्या रिजल्ट बनते हैं। और छठा फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना सूत्र आपको प्रयोग करना था। स्पष्ट है, बहुत हल्का हल्का हिसाब था आपका, कुछ नहीं था, खेल था छुट्टी में। नाइन ए स्क्वायर माइनस उनतीस सत्ताईस सत्ताईस चौवन ए बी प्लस नौ का सी बी स्क्वायर। तीसरा हिसाब था टू ए का होल स्क्वायर माइनस फाइव बी का होल स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस पच्चीस स्क्वायर। तीसरा अगर आप जोड़ कर रहे थे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस डी जोड़ रहे हैं, कट रहा a प्लस बी प्लस डी। अगर घटा रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस डी, घटाओ में चिन्ह बदलेंगे तो आपको हो रहा था a प्लस बी प्लस टू सी माइनस डी। अगर आप यहाँ भी आप देख सकते थे जोड़ते तो जोड़ में आप करते तो एम प्लस एन माइनस एन प्लस पी एम प्लस पी, घटाव भी आप देख सकते थे कर सकते थे, घटाव क्योंकि चिन्ह बदल रहे हैं नीचे का। और आप यहां पर फिर आप सूत्र का प्रयोग करते चार तीय बारह दूनी चौबीस एक्स बाई प्लस सोलह बाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हम छठा सतमा का हिसाब ही देख रहे हैं और मुझे जाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सीखना है। उसके बाद आपको इसका जोड़ घटाओ, इसका फिर आप बहुपद के बारे में देंगे क्या क्या आप जानेंगे। क्लास नाइन्थ के लिए आपको सबसे पहले आपको बहुपद के बारे में जानेंगे, फिर आप बहुपद में फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी सीखेंगे। तीसरा आप देखेंगे समीकरण देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे,
आपसे नहीं करना है। फिर ये सब आपको जब पढ़ना है, यानी हम पीछे चल रहे हैं, हम अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन इसके सीखने के क्रम में चूंकि आधार मेरे पास नहीं रहेगा तो हम मंजिल पर जाने में बहुत कठिनाई होगी। मंजिल तभी प्राप्त होंगे जब हम छोटी छोटी बातों को देखें। अब आपको हमने क्या छोड़ा था, हमने यहाँ आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था ए पर पावर एन गुना ए पर पावर एन ए प्लस, दूसरा हम आपको डील किया था ए पर पावर एम ए पर पावर एम माइनस एन, तीसरा हमने बताया था ए गुना बी गुना सी पर पावर एम ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम गुना सी पर पावर एम, चौथा बताया था हम आपको अगर ए पर पावर एम पर पावर एन ए पर पावर एम गुना एन, इतना मैंने आपको बताया था। हम आपको छोड़े कहाँ थे, अगर ए भिन्न के रूप में हो तब क्या रिजल्ट आएगा, तब आएगा ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम। आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 पर पावर एम 2/4 देते हैं, या हम पहले हिसाब लिखे 2/3 पर पावर एम, ये दोनों हिसाब लिखते हैं, यहां पर पावर हम 2 देते हैं, उत्तर आपका आ रहा है 2/2 4/2, इसका उत्तर आ रहा है 2/2 3/2। यहाँ पर 4 4/16 यानी 1/4, यहाँ पर आ रहा है 4 3 9। देखिए आपका यही उत्तर यहाँ भी आएंगे। अगर नीचे अगर हल कर देते हैं, काट देते हैं 2/4 / 2 1/2 / 2 तो 1/2 × 1/2 क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए, तो 1/4 मेरा हिसाब प्रूफ हो गया। यानी हम या तो इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, कोई अंतर नहीं खाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और मैंने क्या छोड़ा था अगर ए पर पावर जीरो तब रिजल्ट क्या हो, यानी एक्स पर पावर जीरो 100 पर पावर 0 सभी का मीनिंग एक है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखने की चीज है, भूलिएगा नहीं कि ये क्या क्या हुआ। और तीसरा है x/-1 इसका उत्तर होता है 1/x x/-2 1/x2, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे। आप कभी भी हमेशा छोटी छोटी बात गणित में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इसके हर एक बात याद रखने की चीज है। दूसरा हम आपको रिलेशनशिप बिटवीन अब रूट के बारे में बताते हैं, रूट क्या चीज है, रूट में क्या क्या पढ़ना होता है। रूट में होते हैं घात और मान निकालना, यही दो चीज है, घात और मान निकालना ये पूछे जाते हैं। जब हम रूट का सिग्नल देते हैं इसका मतलब इसमें एक घात होता है जो यहां पर रहता है, घात मेरा यहां पर है, और ये यहां पर कुछ नहीं दिख दर्शाते हैं, ये हमेशा इसके लिए यहां 2 छिपा हुआ है जो लिखते कभी नहीं है, जो लिखते कभी नहीं है। इसका हम शाब्दिक अर्थ में हम वर्गमूल के नाम से भी जानते हैं कि रूट ये वर्गमूल है। अब मान लीजिए रूट 144, पहले हम छोटा सा अंक ले सीखने के क्रम में, रूट 9
आप देखिएगा मजे में देखिए, तो हम क्या करते हैं इसको खंडित खंड छोटा छोटा इसको टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं तीन तीन नौ। इसका मतलब यहाँ पर सीधे सिखाते हैं सर कि यहाँ दो है, दो जोड़ा पर एक उतरता है यानी तीन। अब इसको हम विस्तृत, चूंकि हम बड़े हो गए हैं और विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, तो आइए थोड़ा सा और अलग ढंग से इसको देखते हैं। अगर रूट और पावर में रिलेशन है, क्या संबंध है? इस रूट का मतलब पावर में वन बटा टू है। अब मान लीजिए यहां पर हमने नौ दिखाया था, इसका आपने किया क्या था, तीन गुना तीन किया था, यहां पर दो छिपा हुआ, यहां घात में, यहां भी नौ पर पावर दो है क्योंकि तीन के यही पार हमने दिया है। अब यहां पर यहां भी हम वही काम कर रहे हैं, यहां पर तीन का स्क्वायर पर स्क्वायर, तीन पर स्क्वायर अभी आपको हमने सिखाया था, ए पर पावर एम, ए पर पावर एम पर पावर एम बराबर ए पर पावर एम गुना एन। यहां पर आप जब आप कीजिएगा तो थ्री पर पावर टू गुना हाफ कट जाएगा बराबर तीन। जब हम इसको घरूट को पावर में तोड़ते हैं तब भी रिजल्ट सेम देता है, यानी रूट का मान इसके घात के इसके वन बटा में आता है। जैसे अगर मान लीजिए क्यूबिक रूट है, इसका पावर आएगा वन बटा थ्री, चार वन बटा फोर, सौ वन बटा सौ, ये इसका मीनिंग होगा। अर्थ भी इसी तरह से निकलेंगे, आपको 144 का हमने हिसाब दिया है, इसका आप जानते हैं बात को भी बरबर है चौवाल से, यानी हम इसको जब हम घात में तोड़े मजे में भी तोड़ सकते हैं, पावर दो पर हाफ बारह, दो पर पावर हाफ कट जाएगा बराबर बारह। ऐसे हम यहां जैसे ही लेते हैं दो, एक जोड़ा पर एक उतार देते हैं सरल सी ध्यान से शॉर्ट में। लेकिन अगर विस्तृत जानकारी हो कि इसको घात से तोड़ना चाहे तो हम आराम से तोड़ सकते हैं। उसके बाद आप एक थोड़ा सा हिसाब और ले लेते हैं, एक हिसाब मान लीजिए ये 27 है, आप क्या कीजिएगा, ये तीन है, पहला सरल गुरुजी सिखाए हम लोग को इसको ऐसा एक डिजिट, ऐसा डिजिट लो कि एक संख्या से कटे तो आराम से ही कट रहा है 27, यानी यहाँ तीन है एक निकल गया, उत्तर बना दिया सीधा। लेकिन इसको हम अगर विस्तृत जानकारी लें तो इस पर इस तरह से है, इसको हम घात में तोड़ते हैं वन बटा, दुर्भाग्य है गलत लिख दिए हैं हम, तीन दिया नौ दिया सत्ताईस, अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण सूत्र है इसमें। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, एन टू द पावर ए पर पावर एन बराबर ए, आज का महत्वपूर्ण सूत्र। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत सरल तरीका है, सिद्ध हो चुका है, देखने के साथ आप डरिए मत कि ये क्या चीज लिखती है सर, मजे में है, आप आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। हम पावर में इसको ले जाते हैं, मैंने यहां सिखाया था कि यहां पर जो पावर है इसको वन बटा पर कर दीजिए, और अभी आपको हमने सिखाया था ए पर पावर एन पर पावर एन, इसका प्रयोग एम बटा एन मजे में आप कर रहे हैं, कट रहा ए, इसका इसका पार्ट यहां पर समाप्त हो जाता है, रूट का पार्ट इस सिद्धांत के बाद छोटा सा समाप्त हो जाता है। अब आइए हम छोटा छोटा चीज लेते हैं जो कि अलजेब्रा में जानना बहुत जरूरी है, कि सर
ये क्या चीज है, क्या करना होता है, डरिए मत। बहुत हल्का में ये है, हम सब कुछ पढ़े हुए हैं, सिर्फ चूंकि उम्र बढ़ गया है जानकारी बढ़ना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 4+6 बराबर 10 जानते हैं, इसमें आप यहां अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, यहां दो चीज है, अचर राशि है और चर राशि है। का संयोग है, इसको तो बहुत आराम से कर लिए। इसका अब हम गुणनखंड की ओर चल रहे हैं, किधर की चल रहे हैं, गुणनखंड। यहां चर अचर राशि का गुणनखंड देखेंगे कैसे होता है। हम आराम से देखते हैं कि इसमें एक और जड़ बनता है। अगर हम दो कॉमन ले लें तो 2+3, दो ब्रैकेट की क्रिया पहले होती है 5, ये ब्रैकेट मतलब गुना होता है, 2 × 5 = 10, यही उत्तर यहां भी है। अचर राशि किसे कहेंगे, सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे कि संख्यात्मक मान नेचुरल नंबर हो, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, √1/2, √3, यानी इस तरह से 1, 2, 0, 1/2, √3, ये सारे संख्यात्मक मान अचर राशि के उदाहरण है। इसका मान कभी भी हर समय स्थिर रहता है, कभी बदल नहीं सकता। चर राशि बदलते रहते हैं, जैसे अभी हम दे सकते हैं अ जोड़ ब जोड़ स, ब माइनस द, ये भी चर है, हिंदी के शब्द हैं, कहीं कुछ भी दर्ज नहीं है। इसमें हमको जोड़ने कहते हैं, जोड़िए, यानी कि ये भी सी की जगह पर है, तो अ जोड़ ब जोड़ स माइनस ब माइनस द, तो अब चूंकि गुणनखंड हमको देखना है चर और अचर राशि में, यही अलजेब्रा में कभी कभी लड़के को दिक्कत का सामना, जो सीखते हैं शुरुआती दौर में, बाद में तो बहुत तेज हो जाते हैं, हमसे भी ज्यादा तेज, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ा सा उनको झंझट हो जाता है, क्या करें क्या। मान लीजिए अब एक 4 का ही गुणन 2 पार्ट में कीजिए, मजे में कर दे सकते हैं, इसका बहुत सा होता है, एक्स गुना एक्स क्यूब भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, दो पार्ट में, या 3x³, सेम चीज है, यही चीज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर दो चीज रहे, मान लीजिए 2x+2x² - 3+3x, इस तरह से हिसाब है, तब क्या कीजिएगा, अभी चर एक ही है, चर एक है और इसमें 2 और 3 मिल नहीं रहा, यानी इसका बाहर सिर्फ x हो रहा है, ये इस तरह से है, x निकालते हैं 2x + 3, खंड हो गया। तो आप मान लीजिए AB+BC इस तरह से है, क्या करेंगे, मजे में यहां से बी भी मिल रहा है, बी निकालेंगे A+C, ये भी गुणनखंड है, हम बहुत सारे के ले सकते हैं। मान लीजिए 2A+3AB+9A² ऐसा भी ले सकते हैं, लिखना मेरा गलत होगा, क्योंकि घात सबसे अधिक घात वाले पहले निकाल लिखे जाते हैं, अगर हम इसको इस तरह से सरिया लें तो ज्यादा बेहतरीन होगा। आप इसमें क्या देख रहे हैं, यहां सिर्फ ये मिल रहा है, सिर्फ ओनली एक मिल रहा है ये, जो निकल सकता है 3A+3B+2। अगर मान लीजिए उसके बाद अगर इस तरह
तरह का फॉर्मूला का भी गुणनखंड हो सकता है। मान लीजिए आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर ही दे दे, जो आपका सूत्र ही है, इसका भी गुणनखंड निकलेगा, मजे निकलेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, a गुना बी कर दीजिएगा, दो खंड हो गया। यहां भी क्या कीजिएगा, यहां भी हम कर सकते हैं x पर फोर x पर स्क्वायर प्लस वन x स्क्वायर माइनस वन। अभी गुणनखंड पूरा नहीं हुआ, इसका भी टूटेगा, x स्क्वायर प्लस वन x प्लस वन x माइनस वन, ये संपूर्ण गुणनखंड हुआ इसका। इसके बाद इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आता है बच्चे को, जोड़ घटाओ गुणा भाग में तो गुणा तक में तो आप सीख गए होंगे, अब तक भाग में थोड़ा सीखने की जरूरत है आपको, क्योंकि मेरे पास नौवां आठवां का किताब नहीं है, दसवां का किताब है, हो सकता थोड़ा कलिष्ट लगे, लेकिन कोशिश करते हैं आपको हल्का करने का, हल्का हो जाए इसका भाग। चूंकि आप अभी सीखने के क्रम में हैं, मान लीजिए ए क्यू प्लस बी प्लस सी में भाग देना है आपको ए बी से, आराम से कट जाएगा आपका। यहाँ आपने भी पढ़ा है, इस पर पावर एक है, घट रहा है, जाति मिल रहा है, बी पर पावर जीरो अभी सिखाए थे एक, यानी सरल शब्द में ऐसे काटेंगे ए स्क्वायर बी भी कट गया सी, विस्तृत रूप में आप ये देख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर आपको एक्स माइनस एक्स प्लस वन भाग देना है एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से, क्या किसी इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका एक डिजिट को याद रखना है, इसका ये डिजिट इसको काटना है, बाकी किधर भी ध्यान नहीं देना है, बस हमको देखना कि एस क्यूब कैसे आता है, इसमें कितना जोड़े कि क्यू आएगा। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर जोड़ रहे हैं, इसमें हम एक्स क्या स्क्वायर जोड़ रहे हैं, तो क्या रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वन गुना एक्स, दोनों दोनों डिजिट से गुना हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। जो कि भाग में नीचे घटता है, आप देखे होंगे सत्ताईस से भागा लेते हैं, दो तिया सत्ताईस, क्या करते हैं माइनस होता है, यहां भी वही है, सेम वही पर है जो हम बच्चे बच में पढ़ गए पढ़ लिए, सिर्फ इसमें चर राशि घुसने के कारण थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है, बाकी सब पहला दूसरा का हिसाब है। मजे में काट दीजिए, उतारिए, यहां पर एक से गुना कीजिएगा, सारे रिजल्ट आ रहे हैं आपके, सब जीरो जीरो। जांच आप पहले भी सिखाए इसमें पढ़े, इससे इससे अगर गुना कीजिएगा तो ये प्राप्त होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स से गुना कीजिए, गुना करने का आपको हम विधि सिखाए थे, एस क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब, चूंकि बहुपद लिखने का एक तरीका होता है, मान लीजिए थ्री एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक बहुपद है जो आपको पढ़ना है,
बाबत लिखने का एक तरीका होता है, हाईएस्ट पावर को हम पहले लिखते हैं, यानी हम लिखेंगे एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये सही उत्तर है। यहाँ भी आप देख रहे थे कि हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसको सजाते तो लिखते थ्री एक्स स्क्वायर, ये उत्तर बन रहा है। जब हम कॉमन निकालने के लिए सिखाए थे तो a प्लस बी का होल क्यूब जब हम किए थे तो आपका उत्तर आया था a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको कुछ और हल्का कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर कॉमन कुछ ले सकते हैं, यहाँ हम थ्री ए बी कॉमन लें तो ए प्लस बी, यही सूत्र है। फिर उसी तरह हम यहां ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब आपको बताया थे प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस आएगा थ्री पहले ए पर पावर दो फिर बी प्लस बी पर पावर एक बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फिर यहां भी हम कुछ कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां पर हम माइनस थ्री ए बी कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचता है ए, लेकिन यहां चिन्ह माइनस हो जाता है, यही का सरलरूप ये है। ये उत्तर ये हल लिखे या ये हल लिखे, ये हल लिखे या ये, सब एक है। अंतर कहाँ है, अंतर देखिए, अगर संयोग है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू है नॉट इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू, ध्यान रखिएगा ये कभी इसके बराबर नहीं है, ए क्यू माइनस बी क्यू नॉट इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू, दोनों दो चीज है जो भी आज इस क्लास में आप देखेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, यहां पर माइनस है ए माइनस लेगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू यहां पर प्लस है ए लेगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर यहां प्लस यहां माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होते हैं। आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, हमने क्या कहा था कि ए क्यू माइनस बी की नॉट इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू, मजे में इसका उत्तर आ रहा था, वही देखिए इसका उत्तर इससे देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, इसको गुणा कीजिएगा तब आपको प्राप्त होगा ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी क्यूब, ये कट रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये सूत्र आप अपने से गुणा करके देखे निकाल लीजिएगा, ड्राइव कर लीजिएगा। हम समझते हैं अलजेब्रा का जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट सूत्र का है हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब आपको हम नोमा का एक सूत्र डालते हैं जो आज शुरू कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का एक महत्वपूर्ण सूत्र से जो ये पढ़ना है, वो है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहला सूत्र है इसका पढ़ना, अभी आप पढ़ चुके हैं a प्लस बी प्लस सी गुना a प्लस बी प्लस सी, यही पढ़ना है।
आप गुना करना सीख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। चूंकि ए सी जीरो है, फिर सी में आप पाइएगा एक अक्षर छोड़िएगा, तो ए सी यहां मिल रहा है प्लस बी सी यहां मिल रहा है और सी स्क्वायर। चूंकि इसमें हम करते हैं कि जिसके सामने जो है ए बी मतलब एक ए बी, ए सी मतलब एक एक ए सी, बी सी मतलब एक बी सी, तो यहां आपने देखा यहां एक है यहां एक है, यही बात हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए स्क्वायर एक ए बी टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सजा लेते हैं अपने अनुसार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, सी ए का ए सी। अब हम अगर कोई लड़का पूछ बैठता है कि सर सी ए और ए सी में क्या अंतर है, क्या सी ए बराबर ए सी है, तो आप आराम से देख सकते हैं, सब कुछ समझिए। यहां पर दो पहले, क्या छ बराबर छ नहीं है, कोई अंतर नहीं खाएगा, ए सी लिखिए या सी ए लिखिए कोई अंतर नहीं खाएगा। आप ये नहीं कि कुछ भी हौच पौच मन में रख करके काम कीजिए। यहां पर दिक्कत कहां पर आता है, यहां दिक्कत जब आता है जब प्लस के साथ माइनस मिलते हैं, लड़का यहां भौचक के रह जाते हैं कि आप क्या करें किधर जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, दूसरा सूत्र है। आप पहला क्योंकि इसमें सारी क्रिया आ जाएंगे, प्लस माइनस का खेल शुरू हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं है, प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस ए सी माइनस ए बी, यहां बी नहीं है माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी प्लस माइनस माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस प्लस बी सी और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक ए बी एक ए बी टू ए बी एक ए सी एक सी टू ए सी बी स्क्वायर टू बी सी प्लस सी स्क्वायर। आप सजा लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए सी, पहला आएगा प्लस टू ए माइनस टू ए बी, ठीक है बाबू माइनस टू ए बी, उसके बाद बी सी प्लस टू बी सी और माइनस टू ए सी। आप देखिए समझाने की बात कहा है, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, एक लाइन में कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, इसका हम एक ही तरीका से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये गुना इससे हो रहा है, फिर ये गुना इससे हो रहा है और फिर ये गुना इससे हो रहा है, ये किससे माइनस माइनस, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सभी में एक आएंगे, अंतर कहाँ खाएगा यहाँ पर, तो यहां पर प्लस है प्लस माइनस माइनस टू ए बी होगा, यहां पर क्या है माइनस, यहां पर है माइनस, ये इसके साथ गुना होगा माइनस माइनस प्लस टू बी सी होगा, यहां पर क्या है माइनस माइनस ए के साथ गुना हो रहा है माइनस टू ए सी। एक फिर से इसको देखते हैं, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, इसका हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर कॉमन से सब में बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहां पर
कौन प्लस होगा पार्ट, कौन माइनस होगा, 2ab सब में आएगा, 2ab 2bc 2 सब में आएगा। अब कौन सिर्फ प्लस होगा और कौन माइनस होगा ये महत्वपूर्ण है। तो ये गुणा हो रहा है पहले इसके साथ, a b के साथ कर रहा है, इसका चिन्ह पहले प्लस में है और इसका चिन्ह क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, इसका चिन्ह ये b हो रहा है c के साथ, गुणा b किसके साथ हो रहा है c के साथ। तो यहां का इसका पहला चिन्ह, इसका पहले चिन्ह है माइनस, इसके भी चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस 2bc, ये c a के साथ गुणा हो रहा है, इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह है प्लस, प्लस माइनस माइनस 2ac। ये याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा, इससे आपके सूत्र सारे सूत्र नंबर का पहला समाप्त हो जाएगा और सीख जाइएगा। ठीक है, इसी पर कुछ हिसाब हम लेते हैं, छोटा छोटा हिसाब लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप फटाफट बना लीजिएगा। हिसाब क्या है, बहुत हल्का हिसाब लेते हैं, 2a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर। अभी आप पढ़ चुके हैं 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2a गुना 3b प्लस 2 गुना 3b गुना c प्लस 2 गुना 2a गुना c, 2 गुना 4 a स्क्वायर प्लस 9 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 गुना 4 किया 12 ab प्लस 3 गुना 6 bc, 2 गुना 4 ac। सूत्र हिसाब बन गए, चलिए एक हिसाब और माइनस में ले लेते हैं। मान लीजिए a माइनस 2b माइनस 3c, हमने क्या क्या था, a का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर, तो सभी में आएगा, कोई झंझट नहीं है, अंतर यहां पर है 2 सब में आएगा, 2 गुना a माइनस 2b माइनस 2 गुना माइनस 2b गुना माइनस 3c और प्लस माइनस माइनस 2 गुना a गुना माइनस 3c, गुना कर दीजिए और हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, यहां से ब्रैकेट तोड़िएगा, माइनस 4ab, यहां पर आपका है माइनस माइनस माइनस, तीन बार है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, 3 2 4 किया 12 bc, यहां पर प्लस माइनस 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 प्लस, 3 2 6 ac, एक जटिल हो गया। आप उम्मीद करते हैं बच्चे कुछ हिसाब, अब आइए हम आपको घर के लिए प्रॉब्लम देते हैं, कुछ हल कर लीजिएगा। माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर व्हाट, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। तीसरा क्वेश्चन है माइनस टू ए माइनस थ्री बी माइनस नाइन सी का होल स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस वाई माइनस प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप क्वेश्चन हल कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, अभ्यास के बिना गणित आना संभव नहीं है, अगर अभ्यास नहीं तो गणित नहीं। और आपका साथी किताब हमारे पॉकेट में चल रहा है और हल आपके टीचर हैं, सॉल्व एग्जांपल आपके टीचर हैं, उनसे मदद लीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद बच्चों।